नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं 2021 की, जो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की जो वैकेंसी है जिसमें 1149 पोस्ट थी, वहां पे आप लोगों के फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। अब आप लोगों को ये डाउट्स कि हमारा एग्जाम और मेडिकल और ज्वाइनिंग कब तक दे दी जाएगी, तो वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट आपका जो डाउट है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का, वो पेपर कब तक हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। तो सीआईएसएफ जो अपना सेलिब्रिटी डे है वो 10 मार्च को मनाता है, बट इस बार 12 मार्च को निशा एफएसटी हैदराबाद में सीआईएसएफ डे को सेलिब्रेट करेगी। तो इस डे दौरान आपका पेपर वगैरह नहीं हो सकता, हो सकता है 12 मार्च के बाद में। और नेक्स्ट मंथ की अगर मैं बात करूँ तो 14 अप्रैल को सीआईएसएफ फायर डे मनाया जाता है, तो उस टाइम भी पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है इन दोनों डेट के बीच में या फिर अप्रैल एंड में आपका जो पेपर होने के चांस है, तो आप अपना जो तैयारी है वो रेगुलर रखें, कभी भी आपका पेपर होने के चांसेस है। क्योंकि जो आरटीसी के जो ट्रेनिंग में आपका बेसिक ट्रेनिंग 1 मई से स्टार्ट है, हो सकता है 1 2 महीने डिले हो जाए, बट उससे ज़्यादा नहीं है। हो सकता है उस 1 मई से आगे पीछे हो सकता है, बट आपका ज्वाइनिंग जल्दी ही दे दीजिए। अगर मैं मेडिकल की बात करूँ तो मई तक आपका जो मेडिकल होने के कंफर्म चांस है, मेडिकल हो जाएगा आपके मई तक। और अगर ज्वाइनिंग की बात करोगे तो आपका यहाँ पे जो सीएसएफ आरटीसी का जो कैलेंडर है इस साल का, आपको 1 मई से आपको ज्वाइनिंग और आपकी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करने का बोल रखा है, बट हो सकता है 1 महीने डिले हो जाए, जून या फिर जुलाई तक आपका ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो अगर ट्रेनिंग की बात करूँ तो दो डिफरेंट डिफरेंट आरटीसी में आपकी ट्रेनिंग होगी। एक बेसिक ट्रेनिंग होगी, फायर की अलग से ट्रेनिंग की जाएगी, वो 6 मंथ की रहेगी, और बेसिक आपके 3 मंथ 4 मंथ की जो ट्रेनिंग रहेगी, आपका शेड्यूल रहने वाला है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी तो 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें 840 की कुछ पोस्टें थी, वहाँ पे काफ़ी बड़ा बेस था सीएसएफ फायर का, फर्स्ट वो एक बड़ा बेस था। और उसकी जो ट्रेनिंग हुई थी मुंडली उड़ीसा में हुई थी, यहाँ पे आपकी बेसिक ट्रेनिंग। लेकिन इस बार जो आपका काफ़ी बड़ा बैच है, इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 3 ट्रेनिंग सेंटर आप लोगों को दिए हैं। एक मुंडली जो उड़ीसा में है, वहाँ पे आपको 500 के स्ट्रेंथ है, वो ट्रेनिंग वहाँ पे कैंडिडेट जाने वाले हैं। इसके अलावा बहर रोड जो राजस्थान में है, वहाँ पे आपको 349 जो कैंडिडेट वहाँ पे भी ट्रेनिंग करेंगे। और एक और ट्रेनिंग सेंटर है जो भिलाई जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे आपको 300 की स्ट्रेंथ है। तो ये तीनों में डिवाइड कर दिया गया, आपके 1149 टोटल होते हैं। ये कैंडिडेट वहाँ पे जाके जो 15 वीक की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो वहाँ पे करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आपको 1 मई से 12 अगस्त में आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होने वाली है, उसके बाद में आपको 15 डेज का मिड टर्म ब्रेक दिया जाएगा, मतलब आप घर जा सकते हैं 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद में आपका जो मेन जो ट्रेनिंग है वो फाइट ट्रेनिंग है, वो आपका यहाँ पे 27 वीक का होने वाला है। और ये 28 अगस्त से लेकर 2 मार्च 2024 तक चलेगा, मतलब 6 मंथ से आप 1 महीना एक्स्ट्रा जो ऐड कर लीजिए, क्योंकि पीओपी की जो प्रैक्टिस होती है वो मंथ 1 मंथ एक्स्ट्रा होती है। तो आपका जो एक तो सबसे बड़ा बैच है, और हो सकता है 4 टाइम 10 मार्च को आपकी डेट थोड़ी आगे बढ़ेगी, सीएसएफ डे फिर से आ जाएगा, आप लोग उसको सेलिब्रेट करोगे तो आपका जो डेट है फिर आगे बढ़ जाएगा। हो सकता है आपकी पीओपी में अप्रैल तक आपको जो आपकी यूनिटी वगैरह है वो दे दी जाएगी। तो ये कुछ डाउट्स थे आप लोगों के जो मैं क्लियर करने की कोशिश की है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। क्योंकि आपका जो आरटीसी की जो ज्वाइनिंग डेट है वो कंफर्म है, उससे 1 महीना लेट हो सकता है, उससे ज़्यादा अगर नहीं होगा जुलाई या फिर जून जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ज़्यादा लंबा इस प्रोसेस को नहीं खींचा जाएगा। तो दोस्तों, सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की अगर मैं बात करूँ तो ये वैकेंसी काफ़ी फास्ट होने वाली है, क्योंकि जो सीएसएफ फायर विंग के जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम हो चुकी है, और नए नए जो इंडक्शन हो रहे हैं उसमें जो कैंडिडेट चाहिए, बट सीएसएफ के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं, इसलिए वैकेंसी 1149 की काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। इसलिए इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेगी। तो आप लोग इस वैकेंसी की अगर तैयारी करें तो आप इसको कंटिन्यू रखें, आपका पेपर कभी भी हो सकता है, आप प्रिपेयर करते रहिए। तो दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।